रूही जैसी है, सेम वैसी अक्षरा है, बच्चों वाली हरकतें, इधर उधर हाँ उछलना कूदना। अभिमन्यु के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, वो काफी केयरिंग है। लाइक राइट नाउ वी फील स्केर्ड ऑल्सो आई थिंक, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पर, सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो लेवल मेंटेन करें। तो सीन काना के वाला हिसाब तो इज से माय फेवरेट, वो काना, वो दैट्स माय फेवरेट। मेरा ये रिश्ता क्या कहलाता है। किसी ने आके मुझे बोला, मैम आप ना मेरी फेवरेट थी, बट नाउ आई डोंट लाइक यू एट ऑल। सो फर्स्टली बोलना चाहूँगी, ये रिश्ता को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलते आया है। जब से ये स्टार्ट हुआ है अभी तक बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है। हर एक कैरेक्टर को भी सराहा जाता है, प्यार मिलता है। कैसे देखती हैं, इतने सालों से चलते आ रहा है और इस शो के आप दोनों पार्ट हैं। ये अच्छी बात नहीं, हम ऑनेस्टली इट इज़ अ प्रिविलेज फॉर अस। हमने जब ये रिश्ता देखा था शुरुआत में, ऑब्वियसली वी ऑलवेज यूज टू लुक अप टू इट, बिकॉज एक शो जो इतने इतने टाइम तक इस मुकाम तक, मतलब जिस TRP पे वो चलता आ रहा है, इट इज़ अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट। एंड राइट नाउ वी फील स्केर्ड ऑल्सो आई थिंक, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पर, नहीं मतलब सब पर, हमारे जो क्रिएटिव्स हैं खास कर उन पर, तो सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो लेवल मेंटेन करें। तो अच्छा भी लगता है प्यार पाके, पर डर भी लगता है। वट अबाउट यू? हम एक लेगेसी का पार्ट हैं, तो वी आर वेरी प्राउड कि इतने बड़े शो का हम लोग पार्ट बन चुके हैं। एंड इतने सालों से जो चलता आ रहा है, ये ब्रांड बन चुका है, तो उस ब्रांड का हम लोग पार्ट हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर थैंकफुल टू एंटायर डायरेक्टर्स का टीम दैट हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। एक साल हो गया हमें शो में एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर एंजॉइंग इट। ऑडियंस को तो ये शो बहुत खास लगता है, आप लोगों को क्या कुछ सबसे ज़्यादा खास पसंद है इस शो में? हम भी ऑडियंस ही है। जब स्टोरी आती है तो हम बड़े उत्सुकता से, हम भी यही जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये ऐसा कर रही है, अरे इसको ऐसा हो गया, इसके साथ ये हो गया, पता ही नहीं होती आधा टाइम की चल क्या रहा है। हम लोग को सीन करने से जस्ट पहले भी ऐसा सीन्स मिलते हैं कि चलो आपका शॉट रेडी है, अच्छा सीन तो पढ़ ले, ऐसा टाइप का। बट स्टोरी ऑफ कोर्स इट इज केप्ट अ लिटिल बिट इन रैप्स बिकॉज थिंग्स हैव टू बी अ लिटिल कॉन्फिडेंशियल, पर हाँ हम एक्साइटेड काफी रहते हैं। जब पता चलता है कि ओ माय गॉड ये मेजर ट्विस्ट आने वाला है, तो एक्साइटमेंट होती है कि ओ वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये देखने में भी मजा आएगा, करने में तो खैर मजा आएगा ही। अभी क्या कुछ ट्रैक चल रहा है, क्या बताना चाहेंगे? अभी तो जो हमने किया है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो टेलीकास्ट नहीं हुआ है और हम लोग बता नहीं सकते। हाँ वो तो गंगोर के बारे में बता दें। हाँ गंगोर, अभी गंगोर किया है हमने, अभी सेलिब्रेट करा था हमने ऑन अ वेरी ग्रैंड स्केल, वेरी ग्रैंड स्केल हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाई है गंगोर। आई थिंक अभी ये रिश्ता में काफी टाइम बाद हमने गंगोर मनाया है, हमारा तो पहला ही है, हमारा पहला है, बट काफी टाइम के बाद आई थिंक गंगोर मनाया है। ये रिश्ता का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही ज्यादा ऑडियंस को पसंद आता है, सॉन्ग जी हमें भी पसंद है। कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे आप दोनों को? एक अलग ही वाइब देती है जब वो म्यूजिक बजता है। ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल टाइप के सॉन्ग्स हैं, जैसे जितने भी सॉन्ग्स हैं हम लोगों के जितने भी है ना, सब एक ट्रेडिशनल वाइब देते हैं। तो और बेस्ट तो अपना जो मेन सॉन्ग है वो लोग हर हर मूड के साथ से, मतलब सीन के साथ से, माय फेवरेट वो काना, दैट्स माय फेवरेट। मेरा ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब वो भी है, अलग-अलग जो क्रेसेंडोस पे जाता है तभी बहुत। सो ये पूजा में क्या कुछ ट्विस्ट आने वाला है, उसके लिए तो ये रिश्ता देखना पड़ेगा। ऑडियंस को हिंट देना चाहें तो ट्विस्ट तो आएंगे, मेरी सोप है, मंजरी बताएगी, मंजरी बताएगी, तो देखने को बोलेगी आप सब देख ही रहे हैं, बट देखिए और हमारे शो को सराहिए। वैसे ही हमें आपका प्यार मिलता रहे, हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानते हैं कि आप जेन्युइनली एक बहुत ही अच्छा कनेक्ट है ऑडियंस के साथ। वी फील वेरी लकी, बहुत प्यार मिलता है हमको। कोई ऐसा फैन मोमेंट बताना चाहेंगे अगर कहीं बाहर गई हो या फिर? हाँ प्लीज शेयर इट। तुम्हारे साथ हुआ है ना रिसेंट, हैपेंड विद हर रिसेंटली, कैसा वाला? अरे दैट यू वेंट टू मसूरी एंड ऋषिकेश, वो तो काफी, इट इज नाइस बिकॉज़ जस्ट एक बीच में वेकेशन प्लान किया था, तो जब आउट ऑफ मुंबई स्पेशली स्टेप करो तो पता चलता है कि ओ माय गॉड द ऑडियंस इज रियली सो मच इन्वॉल्वड विद द शो एंड दे रियली लव द कैरेक्टर्स, दे फॉलो एवरीथिंग। किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे जब फैंस मिले थे तो? अच्छी अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है,
एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट मिली थी, किसी ने आके मुझे बोला मैम आप ना मेरी फेवरेट थी बट नाउ आई डोंट लाइक यू एट ऑल. सो मैं वहाँ लाइक ओके बट आपसे फोटो, आपके साथ फोटो तो खिंचवाएंगे. हाँ क्यों नहीं, पर ये एक तरीके से पॉजिटिव भी आप मान सकती हैं क्योंकि नेगेटिव शेड को इतना पसंद किया जा रहा है इतने अच्छे तरीके लाइक. हाँ जी ना लाइक ग्रे शेड को जी, शी इज अ मदर, उनके रिएक्शन थोड़े एक्सट्रीम हो जाते हैं बट आई जस्ट फील इट इज योर लव सो सबका प्यार सरा को. अभीरा को तो काफी ज्यादा ऑन स्क्रीन पसंद किया ही जाता है. हर्षद और प्रणाली के साथ आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी है, कैसे रहते हैं आप? तो बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. प्रणाली तो छोटी बच्ची है, वो हमारे घर में जो रूही है हम बोलते हैं हम तुझे मिस नहीं करते, हमारे पास तेरा छोटा एक वर्जन है, हमारे पास छोटा वर्जन नहीं तेरा दूसरा वर्जन है. मतलब दूसरा वर्जन है. सो रूही जैसी है सेम वैसी अक्षरा है, बच्चों वाली हरकतें इधर-उधर उछलना कूदना. एंड अभिमन्यु के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, वो काफी केयरिंग है. लाइक रियल लाइफ में भी जैसे वो बिरलास के लिए प्रोटेक्टिव है वैसे वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव है. सो बेस्ट मोमेंट क्या कुछ रहा है आप दोनों के लिए? हम दोनों के हमारे तो कितने सारे मोमेंट्स हम इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, अभी भी मैंने एक रील डाली. अगर कोई ऐसा एक मोमेंट अगर शेयर करना चाहे स्पेसिफिक कोई जो है, सॉरी शी इज माय वेरी डियर फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई कॉल हर निशु, शी इज माय डार्लिंग. आई थिंक ऑन दिस सेट इफ आई हैव पर्सनली कनेक्टेड ऑन अ वेरी डीप लेवल विद समवन, वो इंस्टाग्राम पे हमारी दिखती है, वो लोग डालते भी रहते हैं, वो तो हम दोनों देखो जरा, वो तो सोशल मीडिया के लिए होता है. बट खैर शी इज द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन जो हम बाकी सबके लिए बोलते हैं, ये मेरे लिए तो मतलब मेरी जान है यहाँ पे. सो आई रियली लव यू, आई लव यू. लास्टली व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तुम देखते रहिए ये रिश्ता और होप कीजिए, और हम भी प्रेयर कर रहे हैं कि अभीरा जल्दी ही मिल जाए, एंड डेफिनेटली मिलेंगे. और प्रे कीजिए, हम भी प्रेयर कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए दोनों फैमिलीज के बीच में, हर जगह सब कुछ ठीक हो. तो उसके लिए आपको ये रिश्ता देखना पड़ेगा और हमको बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा और हमको थोड़ी नफरत कम करनी पड़ेगी. सो कीप लविंग अस, डोंट हेट अस. एग्जैक्टली व्हाट शी सेड. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, लव यू ऑल. थैंक यू.